बोलो श्री गुरुदेव भगवान की। ओम जय गुरुदेवम जय गुरुदेव। सुई पावन सुई सुभग शरीरा, जो तन पाई भजिए रघुवीरा। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वंद्वातीतम गगनसदृशम तत्त्वमस्यादि लक्ष्यम एकम नित्यम विमलमचलम सर्वधि साक्षी भूतम भावातीतम त्रिगुणरहितम सद्गुरुं त्वं नमामि सद्गुरुं त्वं नमामि। बोलो श्री गुरुदेव भगवान की। एक बार नाम जप लेते हैं, बारक माने एक बार, जो राम उतना जप लेते हैं वो खुद तर जाते हैं और दूसरों को तारने की क्षमता आ जाती है। लेकिन आप देखोगे महात्मा लोग इतना नाम जपते हैं कि 24 घंटे राम छोड़ के दूसरा शब्द मुंह से उच्चारण भी नहीं करते। उंगलियों की रगड़ से काठ की गुड़िया घिस गई, फिर भी न तरे न तारने की शक्ति ही आई। भला वो नाम कौन सा जो केवल राम इतना कहने से तर जाते हैं? ये एक प्रश्न। नाम की बड़ी महिमा। और काशी में जो भगवान शिव मुक्ति प्रदान करते हैं तो इसी प्रभु के पावन नाम के वजह से। और नाम भी एक जागृति है, एक प्राप्ति है। सीधा साधा जो जपा जाता है उतना ही नहीं, वो एक जागृति है। इसी आशय का एक भजन है। पायो सतनाम गले का हरवा, पायो सतनाम गले का हरवा, पायो सतनाम गुरु मोहि दीनी ताला कुंजी, जब चाहो तब खोलो कि मड़वा। पायो सतनाम गले का हरवा, पायो सतनाम शाकर खटोलना रहनी हमारी, दुबर दुबर पांच कहरवा। पायो सतनाम गले का हरवा, पायो सतनाम प्रेम रीति की चुनरी हमारी, जब चाहो तब नाचो नगरवा। पायो सतनाम गले का हरवा, पायो सतनाम कहत कबीर सुनो भाई संतों, तो बहुरी न आई ब
एही नगरवा पायो सतना गले का हरवा पायो सतनाम। पाया क्या? सत्य नाम पाया। अरे किताबों में लिखा हुआ है रात दिन हरि कीर्तन रात्रि जागरण होता ही रहता है, वो खोया ही कब था जो आप पा गए? क्या है पाना? वास्तव में भजन नाम एक जागृति है जो जपा जाता है। शुरुआत यहीं से है। तुलसी अपने राम को रीज भजो चाहे खीज, उधो सुधो जामी है खेत पड़े को बीज। अपने राम जी को रीज के भजो चाहे नाराज होके भजो, लेकिन भजो अवश्य। खेत में पड़ा हुआ बीज कोई उल्टा पड़ता है, कोई सीधा, कोई नोक के बल, लेकिन फसल एक ही जैसी देता है। हर हालत में ये कल्याण ही करेगा। नाम तो ऐसे ही शुरू होता है, किंतु नाम जपने के साथ साथ एक जागृति है। मनुष्य जब किसी का अध्ययन करता है कि ये सज्जन कैसे हैं, स्वयं जैसा होता है वैसा ही निर्णय लेता है। भगवान राम सुबेल पर्वत पर विराजमान थे, प्रभु पाछे लक्ष्मण वीर आसन, कटिनी संग कर बाण सरासन। लक्ष्मण वीर आसन से प्रभु के ऊपरी भाग में बैठे हुए थे, सबको काट के असंग धनुष पर बाण चढ़ा के सरासन खींच के बैठे थे कि लंका का मामला कहीं खतरा न हो जाए। और भगवान का सिर सुग्रीव के गोद में था, कानों से लग के विभीषण जी मंत्रणा कर रहे थे, और बड़ भागी अंगद हनुमाना चरण कमल चापत भी दिलाना। बड़े भाग्यवान अंगद और हनुमान चरण कमल की चाप रहे थे, चरण दबा रहे थे प्रभु का। हनुमान अंगद सुग्रीव विभीषण और राम जी, ये पांच यहां थे। भगवान ने लेते लेते पूर्व दिशा की ओर देखा, पूर्व दिशा पे लोकी प्रभु देखा उदित मयंक, कहीं सबई देखहु शशि मृगपति शरीश निशंक। सबसे कहा देखो ना, चंद्रमा उदय हो गया, विहड़ वनों में सिंह जैसे निशंक घूमता है वैसे ही निशंक देखो कैसा सुहावना लग रहा है। फिर प्रभु ने एक प्रश्न रखा, देखो शशि महु में चकताई कहो काहा निज निज मति भाई। शशि में जो ये कालिमा है ये अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार कहो कि ये कालिमा कैसी। तो कह सुग्रीव सुनहु रघुराई, शशि में प्रगट भूमि के छाई। महाराजा सुग्रीव ने कहा, प्रभु हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है पृथ्वी की छाया पड़ रही है। क्यों? बड़े संकट के बाद वो पृथ्वी पाया था, राजा हुआ था, अब परिस्थिति बस युद्ध में तो आना पड़ा, लेकिन मन मस्तिष्क में पृथ्वी ही कौंद रही थी। सुग्रीव महाराजा को पृथ्वी की छाया दिखाई पड़ी। दूसरे थे अंगद, को कहे जब विधि रतिमुख की ना, सार भाग शशि कर हर लीना, छिद्र सो प्रगट इंदूर माही, ते मग देखिए नब परिछाए। थाई कौन? दूसरे नंबर में थे युवराज अंगद। उन्होंने कहा, प्रभु जब विधाता ने रति का सौंदर्य बनाया मुख, सुंदर मुख की रचना की, तो शशि की सुंदरमत्ता में से सार भाग को ले लिया था, हमें लगता उसी छिद्र में से आकाश की छाया दिखाई देती है। युवराज थे अंगद, जानते थे अयोध्या से खोटी कौड़ी लेके आए नहीं, ये महाविश्व युद्ध छिड़ा है, लगता है किष्किंधा के खजाने का सार भाग काम में आ ही जाएगा। उसे सार भाग दिखाई पड़ा, क्योंकि युवराज वो था, उसे चिंता थी, फिर राजा भी अंगद ही हुआ था। तीसरे बच्चे विभीषण, मारा शशि ही
राहु कहे कोई कोई उर्मे पड़ी श्यामता सोई। विभीषण लात खा के आया था, वहां था कौन? तीसरे नंबर महाराजा विभीषण। राहु ने शशि को मारा था, लगता है प्रभु वही खून जम गया है जहां तहां, और कोई बात नहीं। क्यों? कि वो पचासों सीढ़ी में लाते लात मार के ढकेल दिया था ना, तो उसको मार ही दिखाई दे रही थी। किंतु हनुमान उनको न तो राजा थे, न खजाने की चिंता थी, और न ही कभी कोई घटना घटी। हनुमान एकदम शुद्ध अंतःकरण से भगत थे। कह हनुमंत सुनो प्रभु, शशि तुम्हार प्रिय दास, एके उर तब मूरत सोई श्यामताया भास। प्रभु शशि आपका प्रिय बंधु है, दास है, आपका स्वरूप इसके हृदय में दिखाई दे रहा, भगवान वही श्यामता है। हनुमान परम विरक्त थे, उन्हें भगवान का स्वरूप दिखाई पड़ा, लेकिन राम जी खुद विरहित थे। राम जी ने कहा, हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है। कह प्रभु गरल बंधु शशि केरा, अति प्रिय निज उर दीन बसेरा, विष संयुत कर निकर पसारी, विजारत विरहवंत नर नारी। प्रभु ने कहा, हमें ऐसा लगता है, और विष चंद्रमा का सगा भाई है, क्योंकि जब समुद्र मंथन हुआ तो विष भी निकला, चंद्रमा भी निकला, ये सगा भाई अति प्रिय है, अपने हृदय में बसेरा दे रखा है, वही है काली माँ। और विष से संयुक्त किरणें फेंक कर जारत विरहवंत नर नारी, जहां तक विरहवंत नर नारी उनको ये चलाता रहता है, क्योंकि राम भी विरही थे, सीता भी विरही थे, उनको विरही दिखाई पड़े। मनुष्य जब किसी अध्ययन करता है ये सज्जन कैसे हैं, तो आप यदि सज्जन हो तो कहोगे सज्जन हैं। भले दूसरे दिन वो जेल चला जाए तब भी यही कहोगे, भूल चूक तो मनुष्य से होती है, लेकिन है सतपुरुष। आप यदि चोर हैं तो कहोगे चोर है, भले वो सज्जन ही क्यों न हो। मनुष्य जब किसी का अध्ययन करता है तो अपनी ही प्रतिमूर्ति उसमें छाया खड़ी हो जाती है। ठीक इसी प्रकार देवर्षि नारद जब पहुंचे जंगल में, सीता चोरी जा चुकी थी, प्रभु ने बहुत विलाप किया, पेड़ से पत्तियों से भरमरों से मृगों से लगे पूछने, हा खग मृग हा मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। लक्ष्मण ने कहा, भैया आप ऐसे सतपुरुष इतना विलाप करेंगे तब हम लोग कैसे जिएंगे, आप धैर्य धारण करें भैया, माता सीता रसातल में भी होगी तो हम अवश्य ढूंढ के ले आएंगे, पराक्रम प्रकट करना होगा भैया, रुदन कोई उपचार भी तो नहीं, आप इतना शोक करेंगे तो हम लोग कैसे धैर्य धारण करेंगे। राम जी ने कहा, लक्ष्मण तुम ठीक कहते हो, लियो अब मैं ठीक हो गया। फिर बैठ गए इस पट पर और रस भरी कल्याणकारी कथाएं कहने लगे। बैठे परम प्रसन्न कृपाला, कहते अनुज सन कथा रसाला। बड़ी रस भरी कल्याणकारी कथा कह रहे थे अनुज के प्रति। इतने में नारद की दृष्टि पड़ गई, वो बैठे परम प्रसन्न थे, किंतु जब नारद जी ने देखा तो उन्हें विरही लगे। विरहवंत भगवंत ही देखी, नारद मन भा सोच विसेखी, मोर श्राप करी अंगीकारा, राम सहत नाना दुख भरा। विरहवंत दिखाई पड़े, विकल दिखाई पड़े नारद को। क्यों? कि नारद विरही था, विकल था, एक जन्म बंदर का मुंह बना के मारा मारा फिरे थे ना। वो बैठे परम प्रसन्न कृपाला, प्रसन्न नहीं परम प्रसन्न, किंतु नारद की दृष्टि पड़ी तो भयंकर विरही लगे। विरहवंत भगवंत ही देखी, नारद मन भा सोच विसेखी। बड़ी चिंता हुई इस भक्त को, भगवान को कहीं श्राप लगता है क्या? भक्त का मान रखने के लिए थोड़ा ड्रामा कर लिया करते हैं। भगवान ने खुद ही स्वेच्छा से अंगीकार कर लिया नारद के श्राप को। तुम और श्राप करी अंगीकारा, राम सहत नाना दुख भारा। प्रभु
मेरे श्राप को जबरदस्ती अपने अंग में धारण करके देखो ने नाना प्रकार के कष्ट झेल रहे हैं। इतने में नारद को याद आ गई वो बिगड़ा हुआ अपना बिया कि एक जन्म बंदर का मुंह बना के मारे मारे फिरे, मणिजन छूट गई जनु गांठी। इतना कष्ट हुआ था बिया बिगड़ने में नारद जी को, जैसे गांठी से पारस मणि छूट गई हो। जहां वो याद आई घटना तब गरम पड़ गए। तुरंत पहुंचे प्रभु, हृदय में प्रेम था लेकिन ऊपर से गरम पड़ गए। अपन बोले प्रभु जब विवाह में चाहूं कि ना, प्रभु के ही कारण करे न दीना। मैं जब विवाह करना चाहता था कौन ऐसा कारण था जो करने नहीं दिया। अब मुंह लटकाए बैठे और डबडबाई आंखें लेके पता चला विवाह बिगड़े में कैसा कष्ट होता है। लगे फुफकारने, भगवान को जरा रोष आ गया। बोले इस मूर्ख को हमने बचा लिया, इसको पता भी नहीं अब तक। सुन मुनि तो ही कहूं शहरोसा, भजई जे मोहित जी सकल भरोसा, करहूं सदा तिन के ही रखवारी, जिमी बालक राखई मैं तारी। सुन मुनि तो ही कहूं शहरोसा, भगवान जरा रोष में बोले, देख ध्यान दे के सुन, समस्त भरोसे त्याग के जो मेरे आश्रित होके बसते हैं, मैं सदा उसकी रखवाली करता हूं, करहूं सदा तिनकर रखवारी, जिमी बालक ही राख मातारी, छोटे शिशु की रक्षाएं माताएं करती, वैसे ही मैं करता हूं रखवाली। ये चमड़ी की आंख वाली माताएं खंबे की आड़ में चाहे लड़का सरफ से लिपट जाए, गड्ढे में गिर जाए, लेकिन भगवान एक ऐसे रक्षक माता हैं जिनकी दृष्टि सर्वत्र दृष्टि वाले, सर्वत्र हाथ पैर वाले, उनसे तो कोई अलग से कोई भूल के भी गड्ढे में जा ही नहीं सकता। जो उनकी संरक्षण में पहुंच जाता है वो नष्ट हो ही नहीं सकता। शिशु की रक्षा माता करती, वैसे ही नारद जी सारे भरोसे त्याग के जो मुझे बचता उसकी मैं रखवाली करता हूँ। छोटा शिशु कभी कभी अग्नि पकड़ने दौड़ता है, सर पकड़ने दौड़ता है, गह शिशु बच्छ अनल ही धाई, तहां राखे जननी अरगाई। छोटा शिशु अग्नि छूने अंगारा पकड़ने दौड़ता है, चमकता हुआ देख के, चलता हुआ देख के सर्फ पकड़ने दौड़ता है। माई जब पकड़ने जाती है तो समझ जाता है कि हमें पकड़ लेगी तो और भी स्पीड बढ़ा देता है, सर सर नहीं तो माता मना नहीं करती, वहां सुनने वाला कौन है। ता राखे जननी अरगाई, उठा के अलग कर लेती है, रक्षा कर लेती। ऐसे ही नारद जी सारे भरोसे त्याग के बसते उन भक्तों की मैं रक्षा करता हूं। तब नारद जी ने कहा प्रभु, नारद जी ने सोचा रक्षा तो प्रभु जरूर किए लेकिन बड़ा महंगा पड़ा, एक जन्म हाय हाय करते बीता और चिंतित हुए नारद। तब भगवान ने पुनः समझाया जिमी शिशु तन व्रण कोय गोसाई, मातु चिराव कठिन की नाई, यद्यपि प्रथम दुख पावई, रोवही बाल अधीर व्याधि नासहित जननी, गणति न सो शिशु पीर। शिशु के शरीर में फोड़ा हो गया, माता निर्दयी की तरह चिरवा देती है, बालक अधीर होके रोता है, माँ का मुंह देखता है, ले मूल व्याधि के विनाश के लिए इस पीड़ा की ओर वो ध्यान नहीं देती। आप बहुत उछले हो, बहुत फूद के हो, बहुत श्राप दियो, लेकिन इस क्षुद्र पीड़ा की ओर हमने ध्यान नहीं दिया, मूल व्याधि का हमने निवारण कर लिया। आजकल तो सुन करके चीर देते हैं, उस जमाने में चीरा वैसे खड़े चीरत रहे कसाई के बकरे की तरह, आविष्कार उतना ही था। तब नारद ने सादर चरणों में प्रणाम किया और बोले प्रभु जिन भक्तों की रक्षा करते हैं उन भक्तों के लक्षण कैसे होते हैं, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न किया प्रभु एक हमें वरदान दे, यद्यपि प्रभु के नाम अनेका, श्रुति कहे अधिक एकते एका। भगवान के अनंत नाम है, वेदों का कथन है कि एक से एक बढ़कर है राम, सकल नामनते अधिका, हो नाथ यग खग गन बदिका। किंतु राम नाम सारे नामों से बढ़कर रहे, अधिक रहे, पाप रूपी पक्षियों का अंत करने वाला वो क्यों, राम ही अधिक क्यों।
अगस्त्य आश्रम में भगवान राम जब पहुंचे तो अगस्त ने कहा, उमरी तरु विशाल तब माया, है ब्रह्मांड अनेक निकाया। गुलर वृक्ष के समान आपकी माया है भगवान, और जो फल है एक एक फल एक एक ब्रह्मांड है, जीव जंतु उसमें रहते हैं, इसके बाहर का हाल वो नहीं जानते। अनंत ऐसे ब्रह्मांड हैं, सो फल भक्षक कठिन कराला, तब भय डरत सदा सोई काला। वो कठिन काल कराल है, उन सारे ब्रह्मांडों का भक्षण कर लेता है, प्रभु आपके भय से वो काल भी डरता है। अस्तब रूप बखाने जाने फिर सगुण रूप रति माने, यद्यपि ब्रह्म अखंडे अनंता, अनुभव गम्य भजे जय संता। हालांकि ब्रह्म अखंड है, अनंत है, यहाँ भी व्याप्त है, तब हमारे किस काम का। अनुभव गम्य, अनुभवों के द्वारा वो सुलभ है, उसे प्राप्त किया जा सकता है, और जो अनुभवों के आश्रित जपते हैं बसते हैं वही होते हैं संत। भव कहते हैं संसार को, अन कहते हैं अतीत को, संसार से अतीत करने वाली विशेष जागृति जिसका नाम है अनुभव। वह है जिस सतह पर हम बैठे हैं, हमारा संयम ऐसा हो, चिंतन ऐसा हो कि प्रभु उतर आए, जिस परमात्मा की हमें चाह है वो प्रभु उतर आए, आत्मा से अभिन्न होकर खड़े हो जाएं, जागृत हो जाएं, हमें उठाएं बैठाएं चलाएं, हमारा मार्गदर्शन करें। जब श्वास गड़बड़ हो तो सतर्क कर दें, जब चिंतन ठीक हो तो कहें बेटा लगे बरो अब ठीक है। हमारे हर नाम जप के साथ भगवान योग क्षेम करें, कब श्वास सही कब नाम गलत पढ़ावें। ई भव से अतीत करने वाली विशेष जागृति जिसका नाम अनुभव है। मन बस हुई तबे जब प्रेरक प्रभु वर्जे, ई वायु से तेज चलने वाला मन तभी वश में होता है जब प्रेरक के रूप में स्वयं प्रभु उतर आए और रोकथाम करने लगे। और जब ये राम से संयुक्त होता है, अनुभवों से संयुक्त होता है नाम, ये राम से संयुक्त है, राम योग क्षेम कर रहे हैं, तो राम सकल नामन ते अधिका। ये नाम सारे नामों से अधिक है, प्रत्येक नाम के साथ ये अनुभव नहीं जुड़ा तो अभी भजन जागृति ही नहीं हुई। वो पाप रूपी पक्षियों का अंत करने वाला है, तो भजन एक जागृति है। वो कुछ जितना जपा जाता उतना ही नहीं, वो एक जागृति है, और वो किसी तत्वदर्शी महापुरुष के द्वारा ही सुलभ है। इसी आशय का कबीर का भजन है कि पायो सतनाम नाम सत्य है, आत्मा ही सत्य है, परम तत्व है, कण कण में व्याप्त है, ज्योतिर्मय है, वो सनातन पुरुष है और हम हैं सनातन धर्मी। उस प्रभु का नाम सत्य है। ग्रंथ साहब में 750 बार राम राम लिखा हुआ है और 26,700 बार हरि ओम ब्रह्म शिव कृष्ण लिखा हुआ है। वो संत महापुरुष थे, भारत के कोने कोने के महापुरुषों का वाणी का उसमें संकलन है। गुरु नानक साहब और कबीर साहब की वाणी बराबर मात्रा में है। तो नाम ही सत्य है, सत्य है आत्मा, आत्मा रथी, आत्मा जागृत हो जाए वो संचालित करने कि कब नाम में तुम ठीक जप रहे हो, कब गड़बड़, वो ले चले प्रभु मार्गदर्शन करते हुए, तब हमने प्राप्त कर लिया। तो तभी है सत्य नाम की प्राप्ति। तो पायो सत्य नाम गले का हरवा, तो पायो सत्य नाम स्थल पर नाम लहराता रहे, हार की तरह झूलता रहे, गले में एक हार की तरह सदा लहराता रहता है। कैसे प्राप्त किया? नाम रूखा है, शुष्क है, किंतु जब भगवान आत्मा से जागृत होकर रथी हो जाना, आत्मा का जागृत हो जाना, सत्य वस्तु है आत्मा, मिथ्या जगत पसार, और उन्हीं प्रभु का जागृत हो जाना और मार्गदर्शन करना, उनके निरीक्षण परीक्षण में जो नाम चलता है वो सत्य नाम है। ये एक प्राप्ति है। नाम आपने कहाँ पाया, कैसे पाया?
तो गुरु मोहि दीनी ताला कुंजी, जब चाहो तब खोलू कि मड़वा पायो सतनाम। गुरु महाराज ने उस नाम की ताला कुंजी दे दी, नाम जागृत कर दिया। पूज्य गुरु महाराज से लोग पूछे, बोले भगवान मंत्र दे दे। बोले हो, मंत्र देने से नहीं आता। बोले प्रभु साधना बता दे। हम लोगों ने बड़ी बड़ी थीसिसें लिखी, संसार भर के सारे दर्शन शास्त्र पर कमांड है महाराज। नए छात्र जो निकलते हैं उनकी हम इस थीसिस पास करते हैं, द्वैत अद्वैत विशिष्टाद्वैत सब छान के अलग अलग करके रख दिया, किंतु साधना नहीं समझ में आई। कृपया साधना बता दे, भजन बता दे। तब गुरु महाराज कहा करें, हो सब बात सब कोई जानते, दो दो पैसे में वेदांत बिकता है, लोग पढ़ते हैं और लिखते भी चले जा रहे हैं। एक ऐसी वस्तु है जो लिखने में नहीं आती, वाणी से कहने में नहीं आता, किसी अनुभवी सदगुरु के द्वारा किसी किसी अधिकारी के हृदय में ये जागृत हो जाया करता है। भजन एक जागृति है हृदय से, और वो कहने में आता ही नहीं। राम और लक्ष्मण पंचवटी में लक्ष्मण ने कई प्रश्न किए, प्रभु माया क्या, विद्या क्या, अविद्या क्या, ब्रह्म क्या, ईश्वर क्या, भक्ति क्या और सुख का स्रोत क्या। तो उनमें से सुख का स्रोत बताते हुए प्रभु ने कहा, ये भक्ति ताते अनुपम सुख मूला, मिले जो संत हो ही अनुकूला। लक्ष्मण अनुपम सुख की मूल भक्ति, जिसकी कोई तुलना नहीं, कोई उपमा नहीं। तो बोले प्रभु प्रदान कर दे। बोले सीधा तो मैं भी नहीं दे सकता लक्ष्मण, मिले ही जो संत हो ही अनुकूला, मिलेगी तभी जब संत अनुकूल हो। ये गुरु महाराज का कहना था, भजन साधना एक जागृति, वो न तो वाणी से कहने में आती है न लिखने में, न तीर्थ में मिलेगी न व्रत में, किसी अनुभवी सदगुरु के माध्यम से किसी किसी के हृदय में जागृत हो जाया करती है। तो गुरु मोहि दीनी ताला कुंजी, उस भजन की योग युक्ति की ताला कुंजी दे दिए। एक भजन में कबीर कहते हैं, जोग जुगत जाना नहीं, कपड़े रगे गिरवा बना, जाना निज दरवेश को योगी हुआ तो क्या हुआ। दसवें द्वारे ताली लागी, अलख पुरुष जाको ध्यान धरे, जुगन जुगन की तृषा बुतानी, करम भरम अगव्याधि करे। दसवां द्वारा ब्रह्मरंध्र में योग युक्ति की ताली लग गई, आगे कोई द्वार ही नहीं बचा, तो अलख पुरुष जाको ध्यान धरे। ताला माने होता है योग युक्ति, योग एक जागृति, उस युक्ति की कुंजी, और वो जागृति सदगुरु के पास है वो कुंजी। तो गुरु मोहि दीनी योग युक्ति की कुंजी ताला, ताला कुंजी, उस ताले की कुंजी दे दी, भजन जागृत कर दिया। जब चाहो तब खोलूं कि मरवा पायो सतनाम। जब चाहो तब नाम जपोगे तो भगवान आगे पीछे साथ में, रूप ध्यान में देखोगे तो आगे पीछे साथ में, ब्रह्म विद्या करोगे तो साथ में, रास्ता चलोगे तो साथ में, जिस किवाड़ी से गुजरो वो साथ रहेंगे, मार्गदर्शन करते रहेंगे, खतरों से अवगत करते रहेंगे। इस तरह उठ जाने पर अवगत ही नहीं करेंगे, उठा के बचा लेंगे नारद की तरह। जब चाहो तब खोलो की मड़वा, कभी नाम से, कभी रूप से, कभी ब्रह्म विद्या से, कभी सेवा से, हर दरवाजे की किवाड़ी उसी से खुल। भगवान मना कर दे तो वो काम नहीं करेगा साधक। अगले पद में कहते हैं, भजन बड़े थोड़ी जगह में रह के किया जाता है, शरीर के अंदर तो शांकर खटोल ना रहनी हमारी, दूबर दूबर पांच कहरवा पायो सतनाम। साकर खटुलवा
बांस पुरान साज सब अटखट सरल तिकोन खटोलारी हम ही दिहल कर कुटिल करम चंद मंद मोल बिनु डोलारी राम कहत चलो राम कहत चलो राम कहत चलो भाई रे। तुलसीदास कहते हैं राम कहते चलो। बांस सब पुराना शरीर एक सांकड़ खटोलना बड़ा थोड़े में है। बांस सब अटखट जन्म जन्मांतरों के जब शुभ संस्कार संग्रहित होते हैं तो दुर्लभ मानव तन मिलता है। साज सब अटखट सरल और तिकोन खटोलना है। मनुष्य जब चलता है एक पांव आगे पीछे ऊपर एक कोना तिकोन खटोलना है सरल सा। हमारे ही जन्म जन्मांतरों के दिए हुए भले बुरे कर्मों का संग्रह है ये तन। शरीर को एक खटोलने की संज्ञा दी और भजन जब चिंतन जागृत हो जाए तो इसी के अंदर रहना होता है। तो शांकर खटोलना बड़ी कम स्पेस बहुत कम है बड़ा संकड़ापन है रहनी हमारी और इसी के अंदर सूरत को रखना होता है मन को। दुबर दुबर पांच कहरवा बहुत दुबले रूप रस गंध शब्द और स्पर्श पांच ज्ञाने इंद्रिय जो बाहर रूप देखता था दुनिया में तो जैसा रूप पसंद आया उधर ही भागा लेकिन रहना हमें इस खटोलने के अंदर है शरीर के हृदय के अंदर। तो ये हृदय में तो दृष्टि घूमेगी तब तो रहोगे। आंख दृष्टि अंतर्मुखी हो जाए हृदय में चरणों में दृष्टि लग जाए चरण दिखाई पड़े रूप दिखाई पड़े उसी चिंतन में रस मिलने लगे प्रभु की गंध प्रभु कहते क्या है चाहते क्या वो शब्द पर सूरत टिके शब्द स्पर्श भी उन पावन चरणों का होता अवश्य है लेकिन बहुत ही हल्कापन है। जरूर अंतर्मुखी है पांचों ज्ञाने इंद्रियों की पांचों दृष्टि लेकिन बड़ा ही कमजोरी है अभी सधे नहीं है ये कभी भाग सकती है धोखा दे सकती है। तो दुबर दुबर पांच कहरवा पायो सतनाम ये बड़े दुबले हैं इनमें कमजोरी है। भगवान कृष्ण कहते हैं साधना में प्रवृत्त पुरुष जिस किसी एक इंद्रिय के साथ मन रहती है वो एक ही इंद्रिय इस अयुक्त पुरुष के मन का अपहरण करके ले जाती है। वायु जैसे तूफान जैसे नाव का अपहरण करके उलट पुलट के डुबा देती है ऐसे डुबा देती है। इंद्रियां परम थन स्वभाव वाली है ये चिंतन में अंतर्मुखी हुई जरूर बाहर रूप देखती थी अंदर देखने लगी अंदर ही पावन चरणों का स्पर्श प्राप्त करने लगी भगवान की वाणी समझने सुनने और चलने भी लगी है बड़ा हल्कापन। वेद व्यास जो कुछ लिखा करे अपने शिष्य जैमिनी के सामने फेंक दे बोले देखो सुनना बिंदी कामा मात्रा कहीं छूट गई हो तो लगा देना। पहले तो जैमिनी ऋषि सुनना मात्रा देखा करें आस्ते आस्ते ज्ञान की गर्मी थोड़ी बढ़ गई। तब एक दिन बोले गुरुदेव ये श्लोक गलत है। बोले क्या कहा रे बोले आपने जो ये लिखा है दुर्लभ है इंद्रिय ग्रामो विद्वान अपि करिष्य इंद्रियों का समुदाय बड़ा दुर्जय है बड़े बड़े विवेकी पुरुषों को भी संकट में डाल देता है ये गलत है महाराज ऐसा लिखिए दुर्लभ है इंद्रिय ग्रामो माना कि इंद्रिय समुदाय बड़े दुर्जय है प्रबल है किंतु विद्वान अपि न करिष्यति विद्वान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती ऐसा लिख दीजिए। विद्वान अपि करिष्यति जो लिखा है ना न करिष्यति लिख दीजिए। तो गुरुदेव ने कहा अरे ठीक लिखा भाई ये सही है। बोले नहीं गुरु महाराज जो वेद वेदांगों का पारगामी विद्वान हो प्रकृति और पुरुष का भेद जानता हो प्रकृति नश्वर और परमात्मा सत्य उस पर जिसकी अभ्यास हो भला उसका ये इंद्रियां क्या कर लेंगी। फिर समझाया तो फिर चक चक करने लगा। तब वेद व्यास ने देखा ये बातों से समझने लायक नहीं रह गया अब इसको समझाना तरीके से पड़ेगा। बोले देखो मैं जा रहा हूँ एक यज्ञ में ठीक से रहना
अतिथि सत्कार करना, लेकिन सावधान रहना बेटा, इंद्रियां बड़ी प्रबल हैं। प्रणाम किया, रुके। गुरुदेव जब कुछ दूर चले गए तब पीछे से अपने ही में बोले, गुरु महाराज के तो इंद्रियां प्रबल है, दुर्जय है, यही सिर में चढ़ा है। भला जो वेदों का पारगामी विद्वान, उसका ये क्या कर लेंगे इंद्रियां। शाम के समय में बाहर झांका, माघ महीने की वृष्टि हो रही थी और हवा चल रही थी ठंडी ठंडी बर्फीली। सब देखा, एक महिला भीग रही थी चबूतरे के नीचे बैठ के, पीपल वृक्ष के नीचे। तो बोले, अरे देवी आप बाहर क्यों भीग रहे हो, कांप भी रही थी, सभ्य घराने की थी, साफ सुथरे बड़े बारीक वस्त्र पहने। तो बोले, कोई तुम्हारे साथ है? तो बोले, कोई नहीं महाराज, भटक गई हूँ। तो बोले, तुम वहां क्यों भीग रही हो, चले आओ अंदर, देख तमाम कुटिया, एक कुटिया में तुम भी रह ले। बोले, नहीं भगवान, मनुष्य बड़ा धूर्त होता है, मैं यहीं ठीक हूँ, उन पर विश्वास नहीं किया जा सकता। तब जैमिनी ऋषि बोले, तुम किससे बात कर रही हो? मैं हूँ महर्षि जैमिनी, वेद वेदांगों का पारगामी विद्वान व्यास शिष्य, हम पर विश्वास नहीं करोगी तो किस पर करोगी? बोले, अच्छा महाराज, यदि वहां पड़ी रहोगी तो रात में शेर भालू खा लेंगे और इस शीत लहरी में तो तुम ठंडी भी हो जाओगी, जब मुझ पर विश्वास नहीं करोगी तो किस पे करोगी? बोले, अच्छा महाराज। उठ के चली, तब जैमिनी ऋषि को अपने ऊपर कुछ संदेह हुआ उसकी चाल देख के। तब बोले, देखो उधर वाले कमरे में चले जाओ। फिर दिखाई पड़ी चलती हुई, तब बोले, अंदर से बंद कर लेना। कर लिया उसने बंद, फिर भजन में बैठे तो वही चलती हुई दिखाई पड़े उन्हें भगवान ने। गुरु बहुत कोशिश किया, मन नहीं लगा, तब उठ के चले आए। देखो मैं कहूं तब भी मत खोलना। फिर अपने ऊपर कुछ संदेह हुआ, सावधानी बरती, रात पर रहना, सुबह जहां मन आवे वहां चली जाना। फिर भजन में बैठ गए, बड़ा श्रम किया 12 बजे तक, मन लगा ही नहीं, वही दिखाई पड़े, तब उठ के चले आए। तुम कहां से आई हो, किस गांव की हो, तुम्हारा ब्याह हुआ है कि नहीं, माता पिता कहाँ रहते हैं? तो उसने कहा, महाराज वंशावली मैं सुबह बता दूंगी, आप भजन करिए, हमें भी करने दे। तो बोले, अरे दरवाजा खोलो। बोले, आप ही ने तो कहा था कि मैं कहूँ तब भी मत खोलना, कह के चुप हो गई। तब जैमिनी बोले, अरे जो ही आता कब्जा कर लेता है, यहाँ के गोबर बांध लिया, अरे भाई खोल, हमारा है नहीं। तो कोई उत्तर नहीं। तब लगे दरवाजा तोड़ने, हस्तिनापुर नरेशों के बनवाए हुए मजबूत दरवाजे, वो टूटी नहीं रहा था। तब चढ़ गए छप्पर के ऊपर, पहले खपड़े हटाए, फिर मुलायम घास हटाया, फिर जो मोटी मोटी लकड़ियां लगे तोड़ने, कब सवेरा हो गया उनको पता ही नहीं, और नीचे गिरे धड़ाम। इतने में दरवाजों की सांस में से सीधी किरणें पड़ रही थी, छम देनो गिरा, देखा उधर तो गुरु महाराज बैठे। तब गुरु महाराज बोले, क्यों रे, के है रे, तो चुप करे, घर का है उजाड़ दिया, कोई उत्तर ही नहीं। खोल खाल के बाहर आए और जब 12 बजे करीब बोले, वो फाइल तो ला, दुर्लभ है इंद्रिय ग्रामो विद्वान अपी कर सकती कि न कर सकती, तो साष्टांग दंडोत किया महाराज, आप ही ठीक कह रहे हो, इनमें दुबलापन रहता है पूर्ति पर्यंत, कल प्राप्ति हो जाएगी तो आज माया झकझोर सकती है, आज माया कामयाब हो सकती है। तो दुबर दुबर पांच कहरवा पायो सतना, आज मैंने उस सत्य जो वस्तु है आत्मा, उन प्रभु की जागृति से युक्त नाम प्राप्त किया है और सद्गुरु की कृपा से। आगे कहते हैं, ये दुबलापन कैसे दूर हो, प्रेम श्रद्धा। तो प्रेम रीति की चुनरी हमारी, जब चाहो तब नाचूं सहरवा
पायो सतनाम। प्रेम, प्रेम माने श्रद्धा। ओ प्रेम आपसे क्या मांग करता, प्रेम की रीत में, प्रेम के प्रवाह में निरंतर चलना। प्रेम रीति की, प्रेम की रीत क्या है। मैं था तब हरी नहीं, अब हरी है मैं नाई। प्रेम गली अति सांकड़ी, ताबिच दोने समाए। प्रेम की रीत है अपने आप को भगवान की गोद में फेंक दो, छोड़ दो, अपने को मिटा दो। हरी ही रह हुई करे धरे चले, ये प्रेम की रीत है। मैं जब तक हूँ तब तक हरी संपूर्ण ढंग से सार संभाल नहीं करते। मैं था तब हरी नहीं, अब हरी है मैं नाही। जब हरी है तो मैं हूँ ही नहीं। प्रेम गली अति साकड़ी, ताबिच दो न समाए। प्रेम की गली, प्रेम का पथ अत्यंत सकड़ी पगडंडी है, इसमें दो नहीं समाते, एक ही सर्वांगीण समर्पण पर, इस पर निर्भर होके चलना। तो प्रेम रीति की, अपने को मिटा दो। चुनरी हमारी, चित ही चुनरिया है, हमारी चित्त वृत्ति प्रेम की रीत में प्रवाहित है। आजू बाजू नहीं सोचती, नहीं कहीं चिंतन दूसरा ग्रहण करती है। जब प्रेम की रीत में चित्त वृत्ति ढल जाती है, प्रवाहित हो जाती है, तो जब चाहो तब नाचो नगरवा पायो सतनाम। जब चाहो तब इस इंद्रियों की अंतःकरण की नगरी में जब चाहो तब चिंतन करो। नाचना माने कार्य में परिणित होना है, मानस में नाच माने कार्यरत होना। जब चाहू तब नाचू नगरवा, प्रसन्न मुद्रा में चिंतन में डूब जाती हूँ। वास्तव में महर्षि पातंजल ने योगी के शांत प्रेम में प्रवाहित चित्त की परिभाषा दी। योगी के जीते हुए चित्त की लक्षण है कि च्योटी की तरह सूक्ष्म से सूक्ष्म वस्तु में, हाथी की तरह विशाल पदार्थ में, जब चाहे तब जिस क्षण अपने मन को एक बार देख लिया तो वहीं स्थिर कर लेता है। जब ये क्षमता आ जाती है तो ये योगी के शांत चित्त की यही लक्षण है। तो जब चाहो तब नाचू नगरवा, जब चाहो जिस क्षण चाहा, रात में 12 बजे, दिन में सुबह, उसी समय जहां चिंतन में सूरत लगाया कि लग गई, चिंतन रत हो गया। ये नहीं कि जाड़े में भजन सही होगा, गर्मी में नहीं होगा, ब्रह्म वेला में ठीक होगा तो दोपहर में नहीं होगा, ये खुरापात शांत हो गई। जब जिस क्षण चाहो, सूरत एक बार लगी तो लग ही गई, और फिर चिंतन में सदा प्रवृत्त। नाचना माने कार्य रूप देना है। अब अंत में कहते हैं, जब चाहो तब भजन करने की क्षमता आ गई, आखिर इतना श्रम ही हमने क्यों किया, इसका लाभ क्या। तो कहत कबीर सुनो भाई संतों, कबीर कहता संतों ध्यान दो, अरे इतनी कट बैठी है तो संत जो उस पथ के पथिक वही समझ सकेंगे। कबीर जानते थे कि मैं जिस स्तर की बात कहता हूँ इसको समझने की क्षमता सब में नहीं हो सकती। जिनमें थी वो संत, कोई पंडित ज्ञानी, अवधु बेगम देश हमारा, वो उन संतों को उद्देश्य बनाकर अपनी वाणी का प्रसारण किया। क्यों? कि वो उस पद के पथिक हैं। क्रमशः चिंतन करते हुए इस अवस्था में आएंगे तो यही दृश्य उनके सामने होगा, भली प्रकार जान जाएंगे कि कबीर ने जब कहा था तो उनके मनोगत भाव क्या थे, और उनके द्वारा सभी समझ लोगे। इसलिए संतों को उद्देश्य बनाकर अपनी वाणी का प्रसारण किया, क्योंकि समझने की क्षमता उनमें पाई गई। इसलिए तो कहत कबीर सुनो भाई संतों, बहुरी ने आई ब याही नगरवा पायो सतनाम। लौट के फिर इस संसार के आवागमन में कभी नहीं आएंगे। कालन खाए कल्प नहीं व्यापे, देह जरा नहीं छीजे। भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन,
जानते हो ईश्वर कहाँ रहता है? ईश्वर है सर्वभूतानां हृदये अर्जुन तिष्ठति, भ्राम्यान् सर्वभूतानि यंत्रारूढानि मायाः। अर्जुन, ईश्वर सभी प्राणियों के हृदय देश में निवास करता है। भूत माने जीवित प्राणी। वैदिक काल का एक बहुत ही सम्मानित शब्द है भूत, और कालांतर में बदनाम हो गया। भूत माने कहीं पेड़ों में लटका होगा, गला पकड़ लेगा, ये बहुत ही सम्मानित शब्द है। शिक्षा चली गई, भाषाएं चली गई, इसलिए भ्रांति आई। भूत माने जीवित प्राणी। अर्जुन, ईश्वर प्राणी मात्र के हृदय में निवास करते हैं। ईश्वर जब हृदय में है तब शरण किसकी जाए? लोग देखते क्यों नहीं? अर्जुन, माया रूपी यंत्र में आरूढ़ होकर भ्रमवश भटकते ही रहते हैं, इसलिए नहीं देखते। तो ईश्वर हृदय में शरण किसकी जाए? तो अगले ही श्लोक में कहते हैं, तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादात् परम शांतिम स्थानम प्रापसि शाश्वतम। अर्जुन, उस हृदय स्थित ईश्वर की शरण जाओ। सर्वभावेन भारते, संपूर्ण भावों से जाओ। थोड़ा भाव पशुपतिनाथ, थोड़ा कमक्ष्या देवी, थोड़ा वैष्णवी देवी, थोड़ा मैहर, हम तो बारह आना भटक गए। हृदय वाले ईश्वर के हिस्से में तो थोड़ा ही चार ही आना पड़े। क्यों? कि मन एक, तुलसी मन तो एक है। भावे जहां लगाए, भावे हरि की भक्ति कर, भावे विषय कमाए। मन एक तो भक्ति कर, भावे विषय कमा ले। एक साथ इस एक अपने मन से दो स्वामियों को प्रसन्न किया ही नहीं जा सकता, दो समाते ही नहीं इसमें। तो सर्व भावेन भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन हृदय स्थित ईश्वर की शरण जाओ, संपूर्ण भावों से जाओ। मान लो सारी मान्यताएं हमने तोड़ी और शरण चले गए तो लाभ क्या? तत्प्रसादात् परम शांतिम स्थानम प्राप्सि शाश्वतम। तुम इसके कृपा प्रसाद से परम शांति प्राप्त कर लोगे, उस निवास स्थान को पा जाओगे जो शाश्वत है, अजर अमर है। तुम्हारा जीवन रहेगा, तुम्हारा धाम रहेगा, ईश्वर भाव की प्राप्ति मिल जाएगी। तो बहुरी न आओ, दोबारा फिर लौट के इस प्रकृति की दुनिया में, तो बहुरी न आओ या ही नगर वा पायो सतनाम। इस नगरी में कभी नहीं आओगे, उस स्थान को प्राप्त कर लोगे जो शाश्वत है, सदा रहने वाला जीवन, सदा रहने वाला धाम, शांति और समृद्धि। पायो सत्य नाम, हमने सत्य नाम को पाया। नाम तो बचपन से ही जपते थे, गुरु की कृपा हुई तो जिस परमात्मा की चाह था वो सत्य वस्तु, व्यापक एक ब्रह्म या विनाशी, सतचेतन घन आनंद राशि। व्यापक है कण कण में, एक है भगवान, एक से सवा डेढ़ हुआ ही नहीं कभी। व्यापक है, एक है, अविनाशी है, सत्य है, चेतन है, असीम आनंद की राशि है। वही परमात्मा अपना स्वयं मार्गदर्शक के रूप में खड़े हो गए योगक्षेम में। आज नाम आपका सत्य से संयुक्त है, अब भली प्रकार सत्य हुआ नाम। यह भजन एक जागृति है, जिस प्रभु की चाह है जब वो जागृत हो जाए, इसलिए हमने पाया। भजन स्त्री हो पुरुष शरीर नहीं करता, इष्टोन्मुखी लगन जागृत हो जाती है, इष्टोन्मुखी प्रवृत्ति जागृत हो जाती है, कोई भजन कराती है। तो लौ रूपी लड़की, इसलिए नारी संज्ञा दी गई है। ईश्वर पथ में केवल श्रद्धा लगती है।